दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज दिनांक 24 मार्च को कक्षा 10 हिंदी का परीक्षा संपन्न हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आज जो परीक्षा हुई है उसके प्रश्न पत्र का हल देखेंगे और जानेंगे कि आपने परीक्षा में कितना सही किया। मुझे आशा है कि आपने बेहतर प्रदर्शन किया होगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी विलम्ब के आरंभ करते हैं। ये संकेतांक है 801 AC। मैं सोनभद्र से रहने वाला हूँ और हमारे सोनभद्र ज़िले का यह संकेतांक पेपर का है। सन 2022, विषय हिंदी, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। तो चलिए शुरू करते हैं। नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, बाकी 3 घंटे लिखित के लिए, लिखने के लिए। तो हमारा जो आज पहला प्रश्न आया था, पहला का क सत्य कथन पहचान कर उत्तर पुस्तिका में लिखना था। तो 4 कथन दिए थे, कौन कौन से? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे, तो ये कथन गलत है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। तितली कहानी विधा की रचना है, ये भी गलत है, तितली उपन्यास विधा की रचना है। तीसरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, हाँ, तो ये हमारा तीसरा कथन सही था, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो अगर आपने इसे लिखा होगा तो आपको यहाँ पर पूरे 1 नंबर मिलते हैं। अब देखिए, पहला का ख, त्याग पत्र के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर। तो दोस्तों त्याग पत्र के लेखक का नाम जैनेन्द्र कुमार है, इसका सही था ख का पहला, जैनेन्द्र कुमार। अगर आपने लिखा है तो यहाँ भी पूरे आपको 1 नंबर मिलते हैं। अब अगला प्रश्न, ग, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। बाण भट्ट की आत्मकथा सेवा सदन, नदी के दीप, गुनाहों का देवता। तो बाण भट्ट की आत्मकथा थी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सेवा सदन प्रेमचंद की, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। अगर आपने किसी एक का सही लिखा है तो यहाँ भी आपको पूरा 1 नंबर मिलते हैं। अगला देखिए, घ, किसी एक रेखाचित्र लेखक, रेखाचित्र विधा के लेखक का नाम लिखिए। किसी एक रेखाचित्र विधा के लेखक का नाम पूछा है, तो महादेवी वर्मा जी। अगर आपने लिखा होगा तो यहाँ भी आपको पूरा 1 नंबर मिलते हैं। अब अंग प्रश्न, किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। तो किसी एक एकांकी कार का नाम लिखना था, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगर आपने उत्तर लिखा तो यहाँ भी आपको पूरा 1 नंबर मिल गया। अब दूसरा प्रश्न, दूसरा का क, देखिए इस बार बोर्ड ने 30% जो सिलेबस में कटौती किया उसके बाद कहा था कि मैं आपसे भक्ति काल नहीं पूछूंगा, आपको मात्र रीति काल और आधुनिक काल का अध्ययन करना है। लेकिन उसकी यह त्रुटि है कि यहाँ पर आपसे भक्ति काल का प्रश्न पूछ दिया है। प्रश्न क्या है? निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो ऐसे प्रश्न कोई बहुत कठिन नहीं है। भक्ति काल में 2 काव्यधारा थी, निर्गुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा। तो प्रश्न क्या पूछा है? निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम। तो अगर आप कबीर लिखे हैं, जायसी जी लिखे हैं, मलुकदास, नानक, तो ये सब निर्गुण काव्यधारा के थे। तो जायसी कबीर हो जाएगा अगर आपने लिखा है, तो यहाँ भी आपको पूरे 2 अंक प्राप्त होते हैं। ख प्रश्न, प्रगतिवादी के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। प्रगतिवादी काव्यधारा के रामधारी सिंह दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन, ये दोनों नाम आपने लिख दिया है, तो यहाँ भी आपको 2 नंबर मिलता है। देखिए सब प्रश्न वहीं से आया है, मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाया था कि इसके पहले, आप देख लीजिएगा, उसमें सब प्रश्न मैंने बताया था और वही सब परीक्षा में आपकी पूछी गई है। दूसरा का हो गया। अब ग, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। साकेत, साकेत किसका है? मैथिली शरण गुप्त। कामायनी, जयशंकर प्रसाद, चिदंबरा, सुमित्रानंदन पंत। निर्जा, महादेवी वर्मा। मैंने ये भी बताया था कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आएगा, देखिए आया भी है सबका सब। तो आपने किसी एक का लिख दिया है, कसाकेत के मैथिली शरण गुप्त, कामायनी के जयशंकर, चिदंबरा के पंत, निर्जा के महादेवी वर्मा, तो यहाँ भी आपको 1 नंबर मिलते हैं। तो इस तरह से पहला दूसरा प्रश्न 5, 5, 10 नंबर का हो गया। अब प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश दिया है,
सबसे पहले देखिए, पढ़ते हैं। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। मैं खुले में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, चिड़िया चहचहा रही है, इसे नज़रअंदाज कीजिएगा। देखिए गद्यांश क्या है। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहता है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते देखा है और जिसने अमृतत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल, हमारे मृत प्राय शरीर में नया प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमृतत्व सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के लिए आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही साथ सामूहिक और सामाजिक एकता भी। तो देखिए गद्यांश है, इसके नीचे दो दो नंबर के तीन प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी जो ऊपर गद्यांश दिया है इसका संदर्भ लिखना है। तो आपने पहचान लिया होगा ये कौन सा पाठ है। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है ये गद्यांश, ये भारतीय संस्कृति से है और इसके लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। तो अगर आपने इसका लिखा होगा संदर्भ, गद्यांश का संदर्भ की पाठ का नाम भारतीय संस्कृति और लेखक का नाम राजेंद्र प्रसाद, तो आपको दो नंबर यहाँ भी मिल जाएंगे। अब दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे रेखांकित अंश है, वह अमृत सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के लिए आवश्यक हो गया। इसी को घुमा फिरा कर आप व्याख्या किए होंगे, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ भी दो नंबर आपको मिल गए होंगे। प्रजातंत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देख लीजिए लिखा है, प्रजातंत्र का अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वो अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही साथ सामूहिक और सामाजिक एकता भी स्थापित कर सके। तो ये प्रजातंत्र का आशय है, यहीं पे उत्तर है, मैं आपको तरीका बताया था। तो यहाँ तो बहुत ही आसानी से आपको दो दो चार और दो छः नंबर प्राप्त हो गए। अगर आपने ये नहीं किया तो ख क ख में से कोई एक करना था। ये वाला देखिए, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैर में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनीति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो कौन सा पाठ है, बहुत आसान, समझ ही होंगे आप, मित्रता। हाँ देखिए प्रश्न क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ यही है, पाठ का नाम है मित्रता और लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैंने बताया था कि जो रेखांकित रहेगा उसको पढ़ेंगे और अपनी भाषा में उसी को लिख देंगे, व्याख्या कर देंगे। तो ये किया ही होगा आपने, तो यहाँ भी दो नंबर मिल गए होंगे। कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी बुरी संगति का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी उत्तर यही है कि यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनीति या विनाश के गड्ढे में गिराती जाएगी। तो यही है कुसंग का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव। तो ये भी आपने लिख दिया होगा, मुझे आशा है। यहाँ से भी आपको दो दो चार दो छः दोनों आसान हैं, क ख आपने किसी एक को जरूर किया होगा। अब आगे देखिए पांचवा प्रश्न, पांचवा क्या है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। दो पद्यांश दिए हैं क ख, दोनों में से किसी एक का व्याख्या करना है और काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले, चरण कमल बंधो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधो तिही पाई। कौन सा पाठ है, पहला पहला जब काव्य खोलेंगे तो हमारी जहाँ से काव्य शुरू होती है जो पहला पाठ है पद, उसका पहला पहला छंद है ये पद का सूरदास। तो संदर्भ आप लिख ही लिए होंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के काव्यखंड से पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि सूरदास जी हैं। व्याख्या क्या की है, चरण कमल बंधु हरि राई, ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ,
जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, जाकी कृपा जिनकी कृपा से पंगु गिरी लंघे, पंगु लंगड़ा पहाड़ को लांग देता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे को भी सब कुछ दर्शाई, सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरो सुने बहरा सुनने लगता है, गुंग पुनी बोले गुंगा पुनः बोलने लगता है, रंग चले सिर छत्र धराई, और रंग यानी दरिद्र भी चले सिर छत्र धराई, सिर पर छत्र धारण कर लेता है अर्थात धनवान हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती ही पाई, सूरदास जी ऐसे करुणा के स्वामी प्रभु के चरणों की बार बार वंदना करते हैं। ये आपका व्याख्या हो गया रस भक्ति रस अलंकार चरण कमल में रूपक अलंकार, लिख दिए होंगे यहाँ भी आपको एक चार और एक कुल पाँच नंबर बहुत ही आसानी से मिल गया होगा। अब ख तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभुओं की आकर धरा शिरोमणि मात्र भूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर, तुम जिसका जल अनग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज तन रहते तज दोगे उसको, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। तो ये कौन सा पाठ है? राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम। तो इसका भी आपने व्याख्या कर लिया होगा ऐसे मुझे लगता है कि सभी ने पहले वाले का ही किया होगा चरण कमल बंधु हरि राय, क्योंकि वह पाठ का सबसे पहला छंद था, तो इसलिए मैं इसको नहीं बताता हूँ क्योंकि आपने उसी को किया है मैं जानता हूँ। अब आगे देखिए, एक ही करना था हो गया पांचवा में चौथा में, अब पाँचवा देखिए, पाँचवा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो आपको चार ही लेखक को पढ़ना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयशंकर प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर भगवत सरण उपाध्याय। मैंने बताया था कि इन चारों में से तीन का याद कर लीजिएगा, किसी का आएगा जरूर दो ठो, तो यहाँ पर देखिए आया है तीन, क्योंकि पढ़ना चार ही था तीन दिया है, अगर आपको दो भी याद रहता तो काम हो जाता, तो यहाँ आपका काम बन गया है। लिखे होंगे आप तो मैं यहाँ पर जीवन परिचय बताकर समय क्यों बर्बाद करूँ। अगला देखते हैं ख, ख में कवि जीवन परिचय तुलसी सुमित्रानंदन पंत राम नरेश त्रिपाठी। तो मुझे आशा है कि अधिक बच्चों ने तुलसीदास का लिखा होगा जरूर, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, और आप लिखे भी होंगे कमेंट करके बताइएगा, तो आप जरूर लिख दिए होंगे तुलसीदास का जीवन परिचय और उनकी एक रचना रामचरितमानस। तो जीवन परिचय तो आपको खुद लिखना था और मैं क्या बताऊँ यहाँ पर, आप लिख कर आए होंगे, जो बताने लायक है उसको बताता हूँ। अब छठा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मैंने बताया था कि वाराणसी वीरह वीरण पूज्यते और देशभक्त चंद्रशेखर और प्रबुद्धो ग्रामीण, ये पाठ तैयार रखिएगा इन्हीं में से आएगा, और देखिए हम आ भी गया, यह कौन सा पाठ है देखते हैं आगे। एकदा बहवा जना धूम्रयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति सम तेषु केचित् ग्रामीणः केचित् नागरिकः आसन् मौन स्थितेषु तेषु तेषु एक नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। ग्रामीण अद्यापि पूर्वत अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति, न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति, तस्य तादृशं जलाङ्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुर्ग्रामीणः अब्रुवत् भद्रनागरिक भवान् एव किञ्चित् ब्रवीत् यतो हि भवान् शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। इसका आपको संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ कौन सा पाठ है पहचान लिए, पत्र वाला पहेली वाला प्रबुद्धो ग्रामीण है। तो आपने लिख दिया होगा पाठ का नाम कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है, तो आपको एक नंबर मिल गया होगा। और हिंदी अनुवाद आपने इस बार किया हो, इस तरह से किया होगा कि एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे, उसमें कुछ ग्रामीण कुछ नागरिक बैठे हुए थे, उनमें से चुपचाप बैठा एक नागरिक ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहता है, ग्रामीण आज भी पहले की तरह शिक्षित और अज्ञानी है, न तो उनका विकास हुआ है और न ही हो सकता है। उसके इस बकवास को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, भाई नागरिक आप ही कुछ कहिए क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत जानकार हैं। इस तरह से आपने हिंदी अनुवाद किया होगा, तो तीन नंबर और एक नंबर संदर्भ का, यहाँ से आपको पूरा चार नंबर मिल गए होंगे। अथवा अगर इसे नहीं किया तो अथवा में देखिए दिया है एक दूसरा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये श्लोक किस पाठ से है? भारतीय संस्कृति है। तो इसका संदर्भ हो गया कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, तो संदर्भ के लिए एक नंबर, और हिंदी अनुवाद आपने ऐसे किया होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः सभी लोग निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी का कल्याण हो, मा काश्चित् दुःखभाग् भवेत् कोई भी दुखी न हो।
अब सातवां प्रश्न क, अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपने लिखा होगा ये वाला, याद किए होंगे भारतीय संस्कृति वाला सर्वे भंतु, तो यहाँ आ गया। मैंने कहा था दो याद कर लीजिएगा, एक वाराणसी वाला, तो आपने इसके जगह पर लिखा होगा वाराणसी का आज कि मरलम मंगलम यत्र विभूति सिच विभूषणम कौपेन यत्र कौशम सा काशी केनो उपमाए थे। तो यहाँ आपको दो नंबर पूरा मिला होगा। अब ख में संस्कृत प्रश्न उत्तर है, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृति के मूल में क्या स्थित है। पूर्वम कर्म तदंतरम फलम इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, यानी पहले कर्म बाद में फल, यही भारतीय संस्कृति के मूल में स्थित है। पूर्वराजा क आसित, पूर्वराजा देशभक्त आसित। चंद्रशेखर क आसित, चंद्रशेखर देशभक्त आसित। बीरह केन पूज्यते, बीरह बीरेण पूज्यते, मैंने कहा था देख लीजिएगा बीरह केन पूज्यते आया ना, बीरह बुरेण पूज्यते, बीरेण पूज्यते सॉरी। आगे देखिए अब आठवां प्रश्न, रस छंद अलंकार, ये तो आना ही आना था, आया भी है। हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपने लिख दिया होगा मुझे आशा है, हास्य रस का वीडियो भी मैंने बना दिया था, करुण रस पर भी उदाहरण भी बहुत छोटा छोटा लिखवाया था, ये भी आपका कंप्लीट ही होगा। अगर आपने लिखा होगा तो यहाँ भी आपको दो नंबर मिले होंगे। अब मैं आपको यहाँ पर परिभाषा उदाहरण बताकर क्या करूँ, उससे समय आपका बर्बाद होगा, इसलिए अब हम आगे चलते हैं। ख उपमा अलंकार, ख में अलंकार वाला प्रश्न है, उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है, उसका उदाहरण लिखिए। तीन पढ़ना था, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, तो आप उपमा या उत्प्रेक्षा यहाँ पूछा है, इनमें से कोई एक का परिभाषा और उदाहरण लिखे होंगे, तो यहाँ भी दो नंबर मिलेगा। अब ग में छंद पूछा है, दोहा अथवा रोला, तो आपको यही दोनों पढ़ना था, इसकी लक्षण और उदाहरण मैंने बता दिया था, मात्रा उत्रा लगाने सब अगर आपने देखा होगा, आप अगर आपकी तैयारी होगी तो यहाँ भी आपको दो नंबर पूरे मिल गए होंगे। इस तरह रस छंद अलंकार से कुल छः नंबर मिले होंगे आपको। अब देखिए नौवां, यहाँ हिंदी व्याकरण शुरू हो जाता है। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक शब्द बनाइए। उपसर्ग है पहले लगेगा सह शब्द के, तो सह सहयोग सहचर, सु सुपुत्र सुकर्म, अधि अधिकार अधिनायक, अप अपमान अपवाद, परि परिवार परिवहन। एक एक शब्द बनाना था किन्हीं तीन के, तो सब बता दिया, यह आपको एक एक तीन तीन नंबर मिले होंगे, कहीं नहीं जाएगा। अब ख में प्रत्यय आया था कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। त्व, त्व से एक शब्द, गुरुत्व महत्व, ता से कविता, एकता अनेकतापन से बचपन, लड़कपन, हट से घबराहट गर्माहट। इसमें भी आपको पूरे अंक मिले होंगे, दो अंक। अब आगे देखिए ग, ग में क्या है, किन्हीं दो में समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। आपको दो ही पढ़ना था इस बार, दिगु और द्वंद्व, त्रिवेणी कौन सा समास है, दिगु समास। समास विग्रह तीन वेणियों का समूह, दिन रात, दिन और रात समास विग्रह, समास का नाम द्वंद्व समास। तिरंगा तीन रंगों का समूह, समास का नाम दिगु समास। माता पिता, माता और पिता, समास का नाम द्वंद्व समास। तो समास से भी अब दो नंबर लूट लिए होंगे मुझे आशा है। अब घ में देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम यानी संस्कृत लिखना है। आज का क्या लिखे होंगे, अद्य, गांव का ग्राम, पानी का पानीय, दूध का क्या लिखे होंगे, दुग्ध, दूध का दुग्ध। तो देखिए ये भी मैंने तत्सम का वीडियो बनाया था कि इसी में से पूछे जाएंगे, यहाँ आया भी है। अब अंग, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। इंद्र का क्या लिखे आप, देवराज, सुरपति, देवेंद्र, अमरनाथ, ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। बंदर, बंदर का क्या, कपि, मरकट, बानर। गंगा का मंदाकिनी, देवनदी, सुरसरिता। बिजली का चपला, दामिनी, इसे भी लिख कर आपको दो नंबर मिल गया होगा। अब इस तरह नवा प्रश्न में तीन नंबर उपसर्ग से, दो नंबर प्रत्यय से, दो नंबर समास से, दो नंबर तत्सम से और दो नंबर पर्यायवाची से, इस तरह से आप 11 में 11 नंबर उठाएंगे। 9 में प्रश्न संख्या 9 में आपको मिलेगा अगर इतना लिखा होगा। अब 10, दसवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। आपको एक ही संधि पढ़ना था, मालूम है ना, यड़ संधि, तो यहाँ संधि विच्छेद करना है। इत्यादि, इत्यादि कैसे हुआ, इति धन आदि, ई था तो यह में बदल गया तो हो गया इत्यादि, इति धन आदि इसका संधि विच्छेद है, संधि का नाम यड़ संधि। इसी तरह स्वागतम, सु धन
आगतम ऊ है तो वा में बदल गया स्वागतम। इसका सुधन आगतम संधि विच्छेद, संधि का नाम यड़ संधि। मनुमंत्र मनुधन अंतर, मनुधन अंतर क्या होगा मनुमंत्र ऊ व में बदल गया। अब मात्राज्ञा इसका संधि विच्छेद, मातृधन आज्ञा रीथा तो र में बदल गया, तो आधा त और र मिलकर त्र हो गया मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा इसका संधि विच्छेद, संधि का नाम व्यर्थ संधि। तो यहाँ भी आप छीन लिए होंगे दो नंबर, गर्दा गर्दा उड़ाए होंगे आज, धुआं धुआं मचाए होंगे मुझे लगता है। आगे देखिए ख, ख में क्या पूछेगा, पूछा है नदी अथवा मति शब्द का पंचवी भक्ति एक वचन में लिखिए। मैंने बताया था कि मात्र नदी और मति ही आएगा, तो इसका क्या पूछा है पंचमी भक्ति एक वचन, नदी का पंचमी भक्ति एक वचन क्या हो गया नद्याः, क्या चीज़ नद्याः, अगर आपने लिखा होगा तो यहाँ आपको दो नंबर मिल जाएगा। अथवा मति का, मति का होता है मत्योः, मति का पंचमी भक्ति एक वचन मत्योः, मत्योः यो होगा एक ठो ऐसे रहेगा मत्योः, तो यहाँ भी आपको दो नंबर मिल गए होंगे। अब निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार तथा पुरुष का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर धातु का रूप दिया है, इसका धातु का नाम बताना है, लकार बताना है, वचन बताना है और पुरुष बताना है। तो देखिए पठिष्यति, पठिष्यति कौन सा धातु है, पठ धातु, लकार लिट लकार, पुरुष प्रथम पुरुष, वचन एक वचन, इतना लिखा होगा तो दो नंबर। या फिर अहसत, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। पठयम ये पठ धातु विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। हस्ति लट लकार, हस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो ये भी आपको याद होगा तो आप लिखे होंगे, यहाँ से भी आपका दो नंबर कहीं नहीं जाएगा। अब घ में देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। गाँव के समीप विद्यालय है, ग्रामम निकषा विद्यालय अस्ति, ये आसान था। संस्कृत सरस भाषा है, संस्कृत सरसम भाषा अस्ति, इस तरह से आपने संस्कृत अनुवाद किया होगा इन दोनों का, ये आसान सा है तो आपको भी दो नंबर मिल गए होंगे या बाकी जो भी किए होंगे आप। अब 11वां में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरी प्रिय पुस्तक आसान सा ही टॉपिक आया था, सूरदास ये भी बहुत सरल है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय ये भी आसान सा टॉपिक है, आतंकवाद की समस्या या फिर नारी शिक्षा का महत्व। तो निबंध आपने यहाँ लिखा होगा ये 6 नंबर का था, तो यहाँ भी आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे, और कोई बहुत बड़ी टॉपिक नहीं थी, सिर्फ बहुत ही आसान सा टॉपिक दिया गया था, इसी पर आपको निबंध लिखना था। मुझे आशा है ये भी आप किए होंगे। अब 12वां प्रश्न, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक का उत्तर दीजिए। तो हमारे यहाँ देखिए, मैं सोनभद्र जो एक वनवासी आदिवासी एरिया है वहाँ से रहने वाला हूँ, 4 राज्यों से घिरा हुआ हमारा ज़िला है, तो हमारे यहाँ निर्धारित जो खंड काव्य है वो ज्योति जवाहर है। अब आप मालूम नहीं किस जिले से हैं, तो मैं अपने यहाँ का बता देता हूँ। मैंने बताया था कि आपको खंड काव्य से बस 2 प्रश्न तैयार कर लेना है, एक खंड काव्य का सारांश और एक खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। तो देखिए दोस्तों, वे दोनों ही प्रश्न आ गए हैं, और हमारे जो विद्यालय के बच्चे देख रहे होंगे वो तो आज धूम मचाए होंगे पेपर में। तो देखिए ख क्या है, ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। देखिए आ गया, मैंने बताया था कि कथा वस्तु जिसे सारांश भी कहते हैं वो आप पढ़ लेंगे, और एक नायक का चरित्र चित्रण। तो दूसरा वाला प्रश्न भी आया है, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जो इसके नायक हैं जवाहरलाल नेहरू, इनका चरित्र चित्रण करना है, तो मैंने आपको करके बताया था। तो इस तरह आप भी यहाँ पूरा अंक प्राप्त किए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप परीक्षा में, जब परीक्षा फल जारी हो, तो अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करें, और आज तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से सादर आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ।